बिहार का सबसे बड़ा और आस्था का महापर्व छठ पूजा, जो पूरी तरह प्रकृति से जुड़ा हुआ है, भागलपुर में भी बड़े उत्साह से मनाया जा रहा है। इस महापर्व में कद्दू भात, खड़ना, सूर्य अस्त और सूर्योदय के अर्घ का विशेष महत्व है। छठ पर्व के दौरान गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। इसे ध्यान में रखते हुए भागलपुर जिला प्रशासन ने पर्व की तैयारियां तेज कर दी है। भागलपुर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, SSP आनंद कुमार, SDM धनंजय कुमार, उप विकास आयुक्त प्रदीप सिंह और नगर आयुक्त प्रीति कुमारी सहित अन्य पदाधिकारियों ने छठ पूजा के लिए गंगा घाटों का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी घाटों को दुरुस्त करने का कार्य तेजी से चल रहा है, जिससे अर्घ देने आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। उन्होंने गंगा के जलस्तर को ध्यान में रखते हुए सभी घाटों पर बैरिकेडिंग करने का भी निर्देश दिया है। जिलाधिकारी और SSP ने बूढ़ानाथ घाट से बाबूपुर घाट तक नाव से निरीक्षण किया और घाटों की सफाई व्यवस्था पर विशेष जोर दिया है। साथ ही घाट पर संभावित भीड़ को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा प्रबंध, बैरिकेडिंग, SDRF और गोताखोरों की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। SSP आनंद कुमार ने बताया कि पर्व के दौरान पुलिस बल की व्यापक तैनाती की जाएगी, ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि छठ पूजा के दौरान यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए रूट प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसे जल्द ही सार्वजनिक किया जाएगा। बता दें कि भागलपुर में करीब 60 घाटों पर छठ पूजा होगी और प्रशासन सभी घाटों की सफाई और बैरिकेडिंग का कार्य समय पर पूरा करने के लिए तत्पर है। गंगा किनारे करीब 60 की संख्या में हमारे पास घाट है, उन सभी घाटों पर हम लोग निरीक्षण पूर्व में भी किए थे और अभी भी छठ घाटों की तैयारियों का निरीक्षण मैं SSP साहब, हमारे DDC, म्यूनिसिपल कमिश्नर, SDO, SDPO, CTSP और अन्य पदाधिकारी का भी हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो पूर्व में निर्देश दिया गया था उसका कहाँ तक अनुपालन हुआ है। साथ ही विभिन्न छठ पूजा समितियों से भी हम लोग बात कर रहे हैं, उनका जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को हम लोग फुलफिल कर यह प्रयास कर रहे हैं कि छठ पूजा को की जो धार्मिक हमारी आस्था है, इसको काफ़ी पवित्रता के साथ हम लोग सेलिब्रेट करने में आम लोगों की मदद करें और अन्य सुविधाएँ हम लोग को, ख़ास करके जहाँ पे ज़्यादा पानी है तो हम लोग वहाँ पे खतरे का निशान भी लगाएंगे और एक बैरिकेडिंग भी डालेंगे। साथ ही हमारे पास जो गोताखोर हैं, आपदा मित्र हैं, NDRF, SDRF की बोट भी है, जहाँ भी जो खतरनाक घाट है वहाँ हम लोग उसको इन्वॉल्व करेंगे। इसके अलावा विभिन्न छठ घाटों पर जो पटाखे की दुकान है बिल्कुल वर्जित रहेगा। विभिन्न छठ घाटों पर सुविधा के तौर पे हम लोग स्नान घर भी बनवा रहे हैं और कपड़ा का चेंजिंग रूम भी बनवा रहे हैं और सिविल में भी हमारे पदाधिकारी एवं पुलिस बल विभिन्न जगहों से लोगों पर नज़र रखेंगे। तीसरे चरण का निरीक्षण अभी हम लोग करने जा रहे हैं, हम और DM साहब और तमाम बड़े पदाधिकारी उपस्थित हैं और 60 से भी ज़्यादा घाट शहर में और ग्रामीण क्षेत्रों में भी और भी घाट हैं। पोखरों में छठ मनाया जाता है पोखर के किनारे, तो सभी घाटों का निरीक्षण विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। वहाँ जो भी साफ सफाई के इंतजाम हो या सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो भी उस दिन की व्यवस्था की जा रही है उसकी पूरी प्लानिंग चल रही है और प्रत्येक घाट पर सुरक्षाकर्मी, मजिस्ट्रेट और साथ में गोताखोर, इनकी उपलब्धता रहेगी। हमारे कुछ महत्वपूर्ण घाटों पर SDRF की टीम भी जो श्रद्धालु हैं उनके सुरक्षा के दृष्टिकोण से तैनात रहेगी और QRT जो मोटरसाइकिल पार्टी है हमारी, वो भी जो आने जाने छठ घाट पर आने जाने वाले रास्ते हैं उनकी भी लगातार निगरानी करेगी और पूरे उस पूरी व्यवस्था की निगरानी के लिए हम लोग कुछ जगहों पर आवश्यकता अनुसार ड्रोन का भी इस्तेमाल करेंगे। भागलपुर में काली पूजा विसर्जन की रात 2 नवंबर को ललमटिया थाना क्षेत्र के टमटम चौक के पास एक धार्मिक स्थल पर विशेष रंग का झंडा लहराने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद ललमटिया थाना पुलिस ने युवक के खिलाफ माहौल बिगाड़ने की कोशिश के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने बताया कि आरोपी शिवम कुमार, पिता टुनटुन सा, थाना मधुसूदनपुर का निवासी है। भागलपुर सिटी SP डॉक्टर के रामदास ने प्रेस वार्ता में बताया कि शिवम पर पहले भी अपहरण और फिरौती का मामला ललमटिया थाने में दर्ज है। सिटी SP ने यह भी जानकारी दी कि शिवम को मुंगेर जिले से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस मुख्यालय वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के द्वारा निर्देश अनुसार सोशल मीडिया पे लगातार निगरानी जा रही है। इसी क्रम पे 2/11/24 को काली पूजा का विसर्जन के समय
लालमटिया थाना अंतर्गत टमटम चौक के पास एक विशेष धार्मिक स्थल पे बगरी दीवार पर एक विशेष रंग का झंडा एक युवक के द्वारा लग रहा जा रहा था। ये सूचना मिलने पर तुरंत पुलिस उस जहां पे पहुंच गया है, उस समय वो अभियुक्त भाग गया है। 4/11/24 को मुंगेर से ये अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। इनको आपराधिक इतिहास भी पता चला है। लालमटिया थाना कांड संख्या 809-23 में फिरौती के तो अपहरण का इनका विरोध दर्ज किया गया। भागलपुर में छठ पूजा के अवसर पर गंगा स्नान के दौरान एक युवक की डूबने से मौत हो गई। औद्योगिक थाना क्षेत्र के निवासी विश्वरंजन कुमार उर्फ बिट्टू अपने पिता मुरारी कुमार और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ बाबूपुर घाट पर गंगा स्नान करने गए थे। स्नान के दौरान बिट्टू का पैर फिसल गया, जिससे वह गहरे पानी में चला गया। घाट पर स्नान कर रहे लोगों ने शोर मचाया और कुछ लोगों ने उसे बचाने का भी प्रयास किया, लेकिन तब तक उसकी हालत बिगड़ चुकी थी। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत औद्योगिक थाना को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बिट्टू को इलाज के लिए मायागंज अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं इस घटना के बाद परिवार में शोक का माहौल है। फिलहाल पुलिस ने मामले में यूडी केस दर्ज कर बिट्टू के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बाबूपुर मोड़ पे डीपीएस स्कूल के बगल में गंगा घाट है, जहाँ पे सारा व्यक्ति लोग नहाता है। वहीं पे मेरा भैया भी नहाने के लिए गया था, मम्मी था, भैया था और जो है भाभी भी थी, तीनों गया था मिलकर नहाने के लिए। उसके बाद फिर जो है नहाते नहाते जो है पता नहीं उसका क्या हुआ, अचानक से खाई हुई आ गया, बस गिर गया। 1.5 घंटे 2 घंटे के बाद प्रशासन जो है अपना टीम भेजा। शादीशुदा थे क्या? हाँ, वो शादीशुदा। बच्चे भी थे? हाँ, एक बच्चा भी है 2 साल का। श्रम संसाधन विभाग बिहार और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा लेबर कार्ड के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए भागलपुर रेलवे स्टेशन के घंटाघर चौक पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। कलाकुंज बिहार के कलाकारों ने गीत संगीत के माध्यम से बताया कि भवन, सड़क, पुल निर्माण जैसे कार्यों में लगे श्रमिकों के लिए यह लेबर कार्ड अनेक लाभ प्रदान करता है। लेबर कार्ड के माध्यम से श्रमिकों को औजार खरीदने, घर की मरम्मत, साइकिल क्रय, बच्चों की शिक्षा और विवाह सहायता राशि जैसी सुविधाएँ दी जाती है। वहीं पंजीकृत श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन का भी प्रावधान है। ऑनलाइन निबंधन के लिए मजदूरों को आधार कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, आधार से लिंक मोबाइल नंबर और 90 दिनों के कार्य का स्व घोषणा पत्र चाहिए। वहीं निबंधन की प्रक्रिया श्रम संसाधन विभाग के पोर्टल पर पूरी की जा सकती है। कार्यक्रम में बाल श्रम उन्मूलन के प्रति भी जागरूकता फैलाई गई, जिसमें बताया गया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कोई कार्य करवाना और 14 से 18 वर्ष के बच्चों से खतरनाक काम करवाना प्रतिबंधित है। श्रम अधीक्षक कुमारी नलिनी कांत ने बताया कि बिहार शताब्दी योजना के अंतर्गत मजदूर की स्वाभाविक मृत्यु पर बिना निबंधन के भी 2 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। वहीं बिहार प्रवासी मजदूर दुर्घटना योजना के तहत राज्य के बाहर काम करने वाले मजदूरों की मृत्यु पर सहायता राशि और सबको वापस लाने की व्यवस्था भी शामिल है। कार्यक्रम में जनसंपर्क विभाग के संयुक्त निदेशक नागेंद्र कुमार गुप्ता ने भी श्रम संसाधन विभाग की योजनाओं की जानकारी दी, जिससे मजदूरों को अपने अधिकारों और योजनाओं के लाभ के प्रति जागरूकता मिल सके। भारतीय स्टेट बैंक ने अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य और जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से ऑफिस सिंड्रोम पर एक सेमिनार का आयोजन किया। इस सेमिनार की अध्यक्षता मनीष कुमार मिश्रा उप महाप्रबंधक ने की और इसका संचालन मणिपाल फिजियोथेरेपी भागलपुर के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर प्रणव कुमार द्वारा किया गया। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के निदेशक डॉक्टर मनोज कुमार चौधरी ने ऑफिस सिंड्रोम से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से जानकारी दी और सेमिनार की इस पहल की सराहना की। उन्होंने बताया कि ऑफिस सिंड्रोम, जिसमें शारीरिक असुविधा एवं थकान जैसी समस्याएं शामिल है, आधुनिक कार्यशैली का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है और इसे रोकने के लिए जागरूकता आवश्यक है। वहीं मनीष कुमार मिश्रा ने अपने संबोधन में सभी को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश
निर्देश दिया और डॉक्टर चौधरी का आभार व्यक्त किया। सेमिनार की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जिसमें बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक आकाश आनंद, सैकड़ों बैंक अधिकारी, पेंशनर और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। वहीं मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर प्रणव कुमार ने ऑफिस सिंड्रोम पर विस्तृत चर्चा की और बैंकरों के प्रश्नों का समाधान किया। सेमिनार का संचालन अमित कुमार सिंह, मुख्य प्रबंधक मानव संसाधन एवं प्रशासन ने किया। ये कार्यक्रम खास तौर से ऑफिस जाने वाले आदमियों के लिए बनाया गया है। इसका नाम है ऑफिस सिंड्रोम। ऑफिस सिंड्रोम का मतलब हुआ ऑफिस जाने वाले लोगों को क्या क्या परेशानियां होती हैं वहां पर बैठने में, काम करने में, तनाव झेलने में, और उसके बाद जो घर जाते हैं वहां पर उनका क्या स्थिति होती है, इस तनाव का क्या असर पड़ता है, इन सब को हम लोग कैसे इससे पार पाए, निजात पाए, ओवरकम कर सकें, इसके लिए ये कार्यक्रम खास तौर से आज रखा गया है मणिपाल फिजियोथेरेपी की तरफ से। भागलपुर के बाईपास थाना अंतर्गत खिरीबांध गांव में एक नवजात बच्चे का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने बताया कि संभवतः दो दिन पहले इस नवजात को किसी ने नाले में फेंक दिया था। शव फूलने के बाद पानी की सतह पर तैरने लगा, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। वहीं सूचना मिलते ही बाईपास थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर माहौल को शांत कराया। थानाध्यक्ष प्रभात कुमार शर्मा ने बताया कि इस मामले की गहन जांच की जाएगी। फिलहाल सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है ताकि मृत्यु के कारणों का पता लगाया जा सके। जानकारी मिली कि नाली में किसी बच्चे का मरा हुआ शव है, तो उसी सिलसिले में हम आए तो देखे तो है। उसके बाद 112 को कॉल किया, उसके बाद थाने से लोग आए, उसके बाद सारा जांच करने के बाद नवजात शिशु ही निकला जो गर्भावस्था में मृत्यु के दौरान ऐसा मालूम होता है कि किसी ने फेंक करके चला गया। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा मंगलवार से नहाय खाय के साथ प्रारंभ हो जाएगा, जिसको लेकर भागलपुर जिले के विभिन्न गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। बरारी गंगा घाट, खंजरपुर, बूढ़ानाथ और सुल्तानगंज के प्रसिद्ध अजगैबीनाथ धाम में छठ व्रत करने वाली महिलाएं गंगा स्नान और जल संग्रह के लिए उमड़ पड़ी है। सुल्तानगंज के उत्तर वाहिनी गंगा में श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाकर पवित्र जल संग्रह किया। इस दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए थानाध्यक्ष प्रिय रंजन की देखरेख में सभी प्रमुख चौराहे पर सुरक्षा बल तैनात किया गया है। वहीं नगर परिषद ने घाटों की सफाई, बैरिकेडिंग और सुरक्षा के लिए SDRF टीम की भी व्यवस्था की है। भीड़ अधिक होने के कारण शहर में यातायात बाधित हुआ, लेकिन थानाध्यक्ष प्रिय रंजन के नेतृत्व में पुलिस ने माइकिंग के जरिए यातायात को सुचारू बनाया। वहीं जन संसद के संरक्षक अजीत कुमार ने भी छठ व्रतियों की सुरक्षा और सफाई के लिए प्रशासन को धन्यवाद दिया और छठ पर्व की शुभकामनाएं दी। इस दौरान पुलिस बल और कई भक्तगण मौजूद रहे।